हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल डिसीज़न। फाइनेंशियल डिसीज़न कितने टाइप के होते हैं? तो पहला जो होता है वो आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीज़न, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, नेक्स्ट होता है डिविडेंड डिसीज़न। किसी भी बिज़नेस या किसी भी कंपनी में तीन तरीके के डिसीज़न लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग डिसीज़न, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न एंड डिविडेंड डिसीज़न, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तीन तरीके के डिसीज़न होते हैं, तो आइए इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो डिसीज़न है वो है आपका फाइनेंसिंग डिसीज़न। इट इज़ कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड एनालाइजिंग वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच सच फंड कैन बी प्रोक्योर। इसमें देखा जाता है कि आप किस किस सोर्सेज से फंड रेज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको कितना फंड चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एनालाइजिंग वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच सच फंड कैन बी प्रोक्योर। इसमें देखा जाता है कि आप किस किस सोर्सेज से, आपके पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फंड्स को रेस करने के लिए। एक कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्स ले या फिर मीडियम टर्म सोर्स ले या फिर शॉर्ट टर्म सोर्स ले। तो इसमें जो डिसीज़न लेते हैं वो, उनका काम क्या होता है, जो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं उनका काम होता है ये देखना कि सबसे पहले उन सोर्सेज को डिटरमाइन करना कि किस किस सोर्सेज से जो कंपनी है वो फ़ंड रेस कर सकती है। हाउ मच फाइनेंस इज़ नीडेड, अब उस कंपनी को कितने फाइनेंस की ज़रूरत है फिर वो डिसाइड करना। फ्रॉम वेयर सच फाइनेंस कैन बी प्रोक्यूर्ड, उस जितने फाइनेंस की उसको ज़रूरत है वो फाइनेंस वो कहाँ से रेस करेगा। दीज फॉर्म्स अ मेजर टॉपिक नेम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच हेल्प टू डिसाइड फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस इज प्रोक्यूर्ड और ब्रॉड। ये टॉपिक जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस सोर्स से फाइनेंस रेस कर सकती है या फिर ले सकती है। नेक्स्ट है आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। अब देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दिस डिसीज़न इज़ रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टिंग इट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। अब देखिए जब कंपनी के पास पैसे हैं तो वो उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहेगी, जिससे कि उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिले। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करे या तो वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करे। तो इसमें क्या चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, वेयर टू इन्वेस्ट द फाइनेंस। सबसे पहले कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अब जैसे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके पास बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते, तो उन सबको कंपेयर करना कि किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा है, कि आप कंपनी किस हिसाब से अपनी लिक्विडिटी मेंटेन रखना चाहती है, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें उसको देखना होता है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखिए तीन तरीके की चीज़ें आती हैं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग को फाइनेंसिंग डिसीजन में किससे पता चलता था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पता चलता था, इसी तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है वो आपका डिविडेंड डिसीजन। दिस इज़ रिलेटेड टू टेकिंग डिसीजन whether profit is to be kept aside or distributed as dividend and how much is to be kept aside. Dividend decision में देखिए कंपनी इस तरीके की decision लेती है कि जो भी वो profit earn की उसको एक side रख देना है या फिर उसमें से कुछ portion as a dividend distribute कर देना है, और अगर कुछ portion distribute करना भी है तो कितना अपने पास profit save करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, मतलब जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से कितना प्रॉफिट उसको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मच प्रॉफिट शुड बी कैप्ट एज रिटेन अर्निंग, और कितना प्रॉफिट उसको खुद के पास एज अ रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास कैप्ट रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।